जैसे साई पूजा, साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। तो मैं 25 तारीख की तैयारी कर रही हूँ और मुझे बोलना पड़ रहा है तेज क्योंकि पीछे बहुत क्राउड है। तो मैंने यहाँ से खरीदे मीनाक्षी टाइल्स जो शिरडी चावड़ी के पीछे है, आप भी खरीद सकते हो। तो 25 दिसंबर की तैयारी चल रही है, बड़ा दिन। कहते हैं कि बाबा ने चारों धर्मों को एक बताया है और बाबा के रास्तों पर भी हमें चलना है। तो मैं, आपने देखा होगा कि पीपलवाड़ी पर मैं जाती हूँ, ईटा भट्टी, जहाँ पर बच्चों को पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, ढंग के कपड़े भी नहीं है। तो मैंने 50 बच्चों के लिए टॉयज अरेंज किए हैं इस तरह के, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस तरह के मैं काम कर रही हूँ, मैं मुहिम चला रही हूँ कि आप लोग भी उठो, उठ के करो। जहाँ पर हम सारी भक्त हैं और आज हम अच्छे काम कर रहे हैं तो भी बाबा के दिल में हम उतरेंगे। तो हमारा एक अन्नदान 25 को है और फिर 31 दिसंबर को है, जाते हुए साल में भी हमारे एक अन्नदान है। हम समाप्ति भी अच्छे कार्यों से करेंगे और शुरुआत का जो हमारा पहला दिन है वो भी अन्नदान से होगा। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान। तो मैंने अच्छे काम को मैं कर रही हूँ और बाबा जब अच्छे काम को करते हो तो बाबा के दिल में आप बैठते हो, और जब ये बच्चों को खिलौने मिलेंगे ना तो बच्चे इतने खुश हो जाएंगे, जो उनकी खुशियाँ होंगी उनको देखकर बाबा का दिल भी खुश हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने हमें दिया है, हमें इतना काबिल बनाया है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी साईं भक्त जहाँ जहाँ भी हैं, आप शिरडी आते हो तो यहाँ से भी आप खिलौने लेके आप बच्चों को बांट सकते हो, और जहाँ जहाँ भी आप हो वहाँ पर किसी एक बच्चे को सेंटा बन के खुशियाँ जरूर देना। आपके पास नए खिलौने ना हो, पुराने खिलौने अपने बच्चों को, बच्चे के हैं तो वो भी, अगर आपके सही सलामत टॉयज है तो आप जाके बस्तियों में दे, कपड़े बस्तियों में दे, ब्लैंकेट्स दे, और पुराने कपड़े पड़े आपके बच्चे बड़े होंगे उन बच्चों को कपड़े दे। तो सेंटा बन के खुशियाँ बांटिए। बाबा के जो चारों धर्म का मालिक एक बताया है श्री साईं बाबा ने, तो उसका आप अनुसरण करें, उनके रास्ते पे चलें। यही मैं साईं पूजा मुहिम चला रही है और मैं कहती हूँ उठो और करो। और दया भाव से बाबा मिलते हैं, श्रद्धा सबूरी से बाबा मिलते हैं। तो अच्छे काम भी करिए और बाबा के दिल में बसिए। अगर मेरे काम अच्छे लगे तो मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ओम साईं राम, जय साईं।